ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी खबरों की पड़ताल। भोजपुर जिले के बीना प्रखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय के समक्ष आंगनबाड़ी सेविका सेविकाओं ने बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। जमकर लगे सरकार विरोधी नारे। उन्होंने एक स्वर में कहा कि वर्तमान सरकार चाहे राज्य की हो या केंद्र की, हमारी संस्था के प्रति असंवेदनशील है। जहां सरकार महिला कल्याण की बहुत दावे करती है, वहीं इस नारी प्रधान संस्था में न हम लोगों के लिए सरकार के पास न तो कोई संवेदना है और न ही कोई प्रोग्राम। अब की बार हम लोग समाज के निचले पैदान पर गुजर बसर करने वाले गरीब लाचार महिला हो या पुरुष, सबके कल्याण का काम करते चले आ रहे हैं। कुपोषण मिटाने से लेकर टीकाकरण, पोषक सप्ताह के अलावा बहुत से कार्य का बोझ हम लोगों के ऊपर डाल दिया जाता है। बदले में एक छोटी सी न्यूनतम मजदूरी जो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है वो हमें नहीं मिलता। प्रदर्शन के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी ये कार्य जो है, मान लीजिए कितनी सेविका हमारी बहने 86 यानी 30-35 वर्ष करते हुए आज तक कितनी सरकार आई और कितनी सरकार चली गई, और आज तक ये आंगनबाड़ी सेविका को एक मजदूर का मजदूरी का भी भत्ता नहीं दिया जा रहा है, और जितना हो सकता है उतना शोषण, सिर्फ शोषण, और पैसा का यहाँ पर कोई अब काम हजारों लिया जा रहा है, ये करना है, वो करना है, पोषण है यानी टीकाकरण है, यानी हर सारा काम सेविका के तहत है, और सेविका का एक मजदूर का मजदूरी का भी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। आपके कहने का मतलब है जो सरकार मजदूरी जो निर्धारित की है जी, उससे भी कम आपको मिलता है? एकदम, कहाँ आप देखिए कहाँ मजदूर का मजदूरी मिलता है। एक मजदूर का मजदूरी आप 500 रुपया दे रही है, आप आम पब्लिक एक मजदूर का मजदूरी दे रहा है, और हमें क्या मिल रहा है? हमें कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ काम, काम के अलावा कुछ नहीं है सरकार के पास। और हम लोगों की ये मांग जब तक अब पूरा नहीं, 31 अगस्त है अभी तक जो हम लोग की हड़ताल जारी है और ये जारी रहेगी जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी। आपका परिचय? निर्मला देवी, सेविका। देना चाहती हैं आप? देखिए, ये हड़ताल सेविका और सहायिका एक यूनियन के द्वारा किया जा रहा है, और हमारी मांग यही है कि जो हमारी असंवेदनशील सरकार है, जो एक तरह से कहा जाए तो स्त्रियों का, नारियों के सम्मान में ना तो उनके पास कोई संवेदना ही है और ना ही कोई प्रोग्राम है। जैसे कि हमारे संघ को देख लीजिए, इतनी पुरानी संस्था है और हम महिलाओं और बच्चों दोनों के उत्थान का कार्य करते हैं, दोनों को कुपोषित मिटाने का कार्य करते हैं, जो हमारे देश के भविष्य के स्तंभ है, लेकिन हमारे लिए सरकार कोई भी सुनिश्चित कार्य नहीं करती है। हमारी मांग है कि हमें भी सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए, लेकिन ये उनके कानों पे हमारे शब्द तक का एक जू तक भी नहीं रेंगता है, और ना ही हमारे लिए हमारे शब्द का उनके लिए कोई मायने है। हम हड़ताल करके इसमें आपके संगठन को भी कमजोर माना जाता है, जैसे कि टीचर का जो नियोजित शिक्षक का जो संगठन है, विगत 10 सालों में ही उन सरकार से बहुत मांगे अपने संगठन के बल पे करवा लेते हैं। आप लोग का संगठन क्यों कमजोर है? हाँ, आप बढ़िया संगठन क्यों नहीं बनाते हैं? एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे संगठन को कमजोर मानने का एक और नजरिया हो सकता है कि इसमें पुरुषों की महत्ता नहीं है। शिक्षकों में जिस तरह के पुरुष लोग हैं, पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष प्रधान उनकी बातों को मान्य कर लेती है हमारी सरकार। अगर हमारे यहाँ भी अगर 12% भी अगर पुरुषों की सहभागिता होती और जिस तरह का वो करते हैं, आपके मुख्यमंत्री तो एक तरफ महिला को 50% आरक्षण देने की बात करते हैं। देखिए, कहने से नहीं ना हो जाएगा, कोई खुद को कह दे कि मैं सुशासन हूँ तो मान लू सुशासन। आप हमारे ही संघ को देख लीजिए, महिला होते हुए भी हर जगह महिलाओं का उत्थान की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो पूर्णतः महिलाओं के ऊपर ही आधारित और महिलाओं की ही संस्था है, जिसके उत्थान के लिए कौन सा कदम उन्होंने आज तक उठाया है? आप क्या मांग, आपकी मांगों को यदि नहीं माना जाता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? यही होगा कि सर हम लोग विरोध करेंगे। विगत कितने दिनों से आप लोग हड़ताल पे हैं? ये अगस्त 31 अगस्त से हम प्रदर्शन में लगे हुए हैं। अगर हमारी सितंबर से अगर मांगे पूरी नहीं की जा सकती है तो अनिश्चितकालीन। आपका परिचय? मैं नमिता सिंह हूँ, मनियारा से। मैं आंगनबाड़ी से 30-35 साल कार्य करने के बाद सेवानिवृत्त होने पर एक रुपया भी नहीं दिया जाता, जिसका उदाहरण बिहार में ही लाखों आंगनबाड़ी सेवक सेविकाओं जो सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, आज भुखमरी की शिकार हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हम भी नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, नियमित वेतन मान सेवानिवृत्त होने पर एक उचित राशि का प्रबंध की जाए, ताकि हम सभी एक सम्मानजनक जिंदगी जी सकें। अगर राज्य सरकार हमारी उपयुक्त मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती तो हम हड़ताल अनिश्चित काल के लिए
करते रहेंगे। बिहार राज्य आंगनबाड़ी बिहिया बेस के नेता नमिता सिंह के प्रदर्शन के दौरान फूल कुमारी देवी, कौशल्या देवी, सवित्रा कुमारी, पुष्पा कुमारी, पिंकी देवी, नीलू कुमारी, आशा देवी, सावित्री कुमारी, सरस्वती देवी, प्रमिला देवी, मंजू देवी, धर्मशीला कुमारी, सुशीला देवी, ममता देवी, राजवंशी देवी सहित सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका उपस्थित मौजूद थी।